आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से किस तकनीक का उपयोग यहाँ पर मानव की अनुवांशिक काउंसलिंग में किया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है सीरोलॉजिकल तकनीक, दूसरा पॉलीप्लॉयडी, तीसरा है अनुवांशिक इंजीनियरिंग, चौथा है पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर जेनेटिक काउंसलिंग या जिसे हम यहाँ पर अनुवांशिक काउंसलिंग बोलते हैं, क्या होता है ये? ठीक है, तो इसमें किसी भी जीव के, ठीक है, अनुवांशिक काउंसलिंग में होता है किसी भी जीव के, या कह सकते हो जिसे मानो यहाँ पर, ठीक है, उसमें जो उपस्थित यहाँ पर अनुवांशिक रोग है, ठीक है, या कह सकते हो अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिक जो विकृति है, ठीक है, या रोग बोल सकते हो, ठीक है, चाहे वो आजन्मा कह सकते हो, शिशु हो, या उनमें जो अनुवांशिक यहाँ पर विकृति है, इस अनुवांशिक विकृति को यहाँ पर दूर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर उपचार करने के लिए तो विभिन्न यहाँ पर उपचार विधि है, उसको यहाँ पर समझाया जाता है। इसी को बोलते हैं अनुवांशिक काउंसलिंग यानी जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है, मतलब ये जो हेरिडिटी डिजीज होते हैं, ठीक है, उसी से संबंधित यहाँ पर इसकी काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इन चारों में से कौन सा यहाँ पर, ठीक है, इस पे मैच करेगा। निम्न में से किस तकनीक का उपयोग मानव के अनुवांशिक काउंसलिंग में किया जाता है, ठीक है, मतलब अनुवांशिक विकृति को दूर करने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो पहला है सीरोलॉजिकल तकनीक। ठीक है, तो सीरोलॉजिकल तकनीक में अधिकतर यहाँ पर जो कह सकते हो प्रतिरक्षा होता है शरीर की, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, उससे संबंधित तकनीक है, जिसमें जो सीरम होता है या जो अदर बॉडी फ्लूइड होते हैं उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, स्पेशली कह सकते हो एंटीबॉडी से संबंधित अध्ययन, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा पॉलीप्लॉयडी, तो पॉलीप्लॉयडी में यहाँ पर कह सकते हो जीवों में 2N सामान्य द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं, वो यहाँ पर 3N, ठीक है, 4N, मतलब इसमें प्लॉयडी कितनी है, ठीक है, इस तरह से, मतलब गुणसूत्र सेट यहाँ पर जो दो से अधिक पाए जाते हैं उसी को यहाँ पर पॉलीप्लॉयडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है अनुवांशिक इंजीनियरिंग, तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें दो जीवों के DNA को यहाँ पर कह सकते हो जोड़ा जाता है, जिसे यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं, या इसको ना ये बोलकर ये कह सकते हैं कि एक ऐसी तकनीक जिसमें किसी भी जीव के DNA में हम, ठीक है, परिवर्तन कर सकते हैं, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब काट छांट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा पेडिग्री एनालिसिस, तो पेडिग्री एनालिसिस यही होता है, ठीक है, कि मतलब हम अगर किसी फैमिली यानी परिवार की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर कह सकते हो जो संतत होते हैं उसे ट्रेस करते हैं और ये पता करते हैं कि इनके पूर्वज में, ठीक है, पूर्वज यानी इनके एंसेस्टर में कौन सा रोग रहा होगा, यानी जो अनुवांशिक रोग है कौन सा रहा होगा, तो इससे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विकृतियों को दूर किया जाता है। ठीक है, इसी को पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा अनुवांशिक काउंसलिंग में संबंधित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा 4th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।